ऐसे ही लोक कल्याण का काम जो कुछ दिनों के लिए कारण विशेष से सत्संग के कारण कुछ दिनों के लिए विराम लिया था, वो शुभ कार्य आज वापस प्रारंभ होने जा रहा है। और उस शुभ कार्य के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते उन माताओं को जिन्होंने शुभ संतान को जन्म दिया। आप लोगों को जानकारी होगी गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आशीर्वाद से गोपाल परिवार के तत्वाधान में 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा 2012 से चल रही है। 12 साल से पदयात्रा चल रही है और साधु संत पैदल पैदल एक गांव से दूसरे गांव नंगे पांव जाते हैं और गौ माता की महिमा गांव गांव जाके सुनाते हैं। उसका प्रभाव यह आया है कि लाखों लोगों ने घरों में गाय माताएं बांधी है, कई गौव्रती हुए हैं, कई गौशालाएं खुली है, कई गौ चिकित्सालय खुले हैं। वो यात्रा आज सायंकाल आरती के बाद 4:30 बजे यहां से प्रस्थान करेगी। एक यात्रा निकल चुकी है, उसको निकले हुए 1.25 महीना हो चुका है, वो मंदसौर के आसपास चल रही है। अभी 2 यात्राएं आज प्रस्थान करेगी। जो प्रस्थान कर चुकी है उस यात्रा का नाम राम यात्रा है। आज जो 2 यात्राएं प्रस्थान करेगी, एक शिव यात्रा है, एक श्याम यात्रा है। शिव यात्रा में भगवान महादेव जी का पूरा परिवार विराजमान है और आज वह यात्रा यहां से रवाना होकर के सादलपुर गांव पहुंचेगी। और दूसरी श्याम यात्रा यहां से 4:30 बजे प्रस्थान करके धानिया खेड़ी नाम के गांव पहुंचेगी और कल सुबह दोनों के प्रवचन होंगे और फिर आगे बढ़ेगी। आप लोग जो जो सद्भाव रखते हैं वो यात्रा के साथ पैदल पैदल सादलपुर और दानिया खेड़ी जिधर जिधर जाना चाहें अवश्य पधारे। मैं पुनः उन माताओं को साधुवाद देता हूं जिनके शुद्ध गर्भ से ऐसी संतानों ने जन्म लिया। दोनों खड़े हो जाओ आप। एक धीरजानंद जी सरस्वती हैं, एक आनंद गोपाल जी सरस्वती हैं। ये दोनों विगत कई वर्षों से नंगे पांव पैदल चलते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यात्रा रुकती नहीं है। बार त्योहार को भी अवकाश होता नहीं है। अभी यात्रा के वाहनों का जीर्णोद्धार भी करना था और इनको कुछ सत्संग लाभ भी लेना था। कुछ दिन के लिए यात्रा ने यहाँ पर विश्राम लिया। अब पुनः एक लंबी यात्रा के लिए जो कि 2043 तक सतत चलनी है, उसके लिए आज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि आप सब गोभक्त हैं, यहाँ पर आने वाले गोभक्त ही आते हैं, दूसरे तो कोई आते नहीं है। आप सब गोभक्त अपने हृदय से इन दोनों युवा साधुओं को आशीर्वाद दें जिससे ये अपने काम को दृढ़ निश्चय के साथ कर पाएं और गौ माता के कार्य को उत्तम रीति से कर सकें। यात्रा के नियम हैं, यात्रा किसी भी गाँव में जाती है, किसी से दान चंदा रुपया पैसा लेना नहीं। इनका आवास भी ट्रैक्टर पर ही रहता है, इनकी रसोई भी उसी में रहती है, पानी का टैंकर भी ये साथ रखते हैं। किसी से भोजन नहीं लेना, नाश्ता नहीं लेना, यहाँ तक कि टैंकर में पानी भरवाते तो भी उसका शुल्क दे के भरवाते हैं। विगत 12 वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर से अधिक यात्राएं चली है और 30,000 से अधिक गाँवों में अब तक गए हैं। कोई गाँववासी ये नहीं कह सकता कि 31 वर्षीय गौ पर्यावरण अध्यात्म चेतना पद यात्रा हमारे गाँव में आई तो हमने इनको 0.5 किलो आटा भी दिया या हमने 10 लीटर पानी भी मुफ्त दिया। कोई चीज स्वीकार नहीं करते, सिर्फ गाँव में जाना, माँ की महिमा सुनाना और फिर आगे बढ़ जाना। तो आप सभी का आशीर्वाद इनको मिले, आपकी मंगल कामनाएं मिले और शाम को 4:30 बजे धर्म ध्वज को साथ में लेकर के आपको इनको विहार कराते हुए अगले गाँव तक पहुँचाना है।